हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन का शोरबा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो मीट लिया है, और शोरबा ये है चबनी बोटियों का शोरबा है। ये चबनी बोटियाँ हैं, इसमें चबाने वाली बोटियाँ होती हैं, और इन चबनी बोटियों का मैं बनाऊँगी शोरबा। और मैं इस मीट को अच्छी तरीके से पहले धो लूँगी। ये धो देखिए, मीट को धो करके मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने 3 प्याज मोटी मोटी काट करके रख लिए हैं, वो प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने। तीन चम्मच, छोटे चम्मच है तो 3 चम्मच मैं धनिया डाल दूंगी। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च डाल सकते हैं, 1 चम्मच। और 1.5 चम्मच में मिर्ची की डाल दूँगी, और 1 चम्मच में हल्दी डालूँगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप नमक रख लीजिए। और अभी बहुत ही टेस्टी होता है चावलों के साथ शोरबा, खा के देखिए आपको, बनाना भी आसान है। और ये देखिए, एक बड़ी इलायची मैं इसमें डाल दूंगी, साथ में इसमें जो खड़े गरम मसाले। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा। और अब मैं इसमें डालूंगी तेल डाल दूंगी, मैं इसमें सरसों का तेल डालती हूँ। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है। 1 से 1.5 चम्मच आप सरसों का तेल डाल दीजिए इसमें। और इसमें जितने पानी में गल जाए उतना पानी इसमें हम रख देंगे, और बाकी हम बाकी गोश्त पानी छोड़ता है। पानी इसमें हम आधा गिलास ही डालेंगे बस, क्योंकि बकरे का मटन जो है जल्दी गल जाता है। और देखिए ढक्कन भी गंदा हो रहा है। और अब मैं कुकर में इसको ढक्कन का कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और 1 सीटी आने के बाद धीमी सी आँच कर दूंगी। और उसमें जब तक गल ना जाए, जब तक पकाना है। देखिए गैस पे से मैंने उतार लिया है, और ये अच्छी तरीके से गल चुका है। बोटियाँ भी एकदम से परफेक्टली तरीके से इसकी गल चुकी है। ये देखिए, ये गल चुका है। अब हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से, गोश्त की भुनाई होगी, अच्छी तरह से ये भुना जाएगा। इसके पानी ख़त्म होने तक, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है, मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी। और मैंने इसको टेस्ट करके भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए आप, पानी बिल्कुल इसका सूख गया है, और ये बिल्कुल इसमें चिकनाई ऊपर आ गई है। और इसकी चबनी बोटियाँ जो ऊपर से दिखाई दे रही हैं, चबाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और मैंने चबनी बोटियों वाला ही सालन बनाया है आज, और इसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, एक रोटी के निवाले में 1 रोटी लेकर के खाइए। चबनी वाली बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा मटन चबनी वाला गोश्त पक चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि चावलों के साथ हम खाएंगे तो इसमें शोरबा रखना ज़रूरी है। फिर शोरबे वाला ही मटन बनाया मैंने, ये इतना हम इसमें शोरबा रख लेंगे। अब हम इसमें 1 सीटी लगा देंगे शोरबा रखने के बाद, और हमारा चटनी वाला सालन तैयार। देखिए शोरबा तैयार हो चुका है मेरा, ये चटनी की बोटी वाला शोरबा मैंने तैयार कर लिया है। ये इसमें सब चटनी की बोटी है, और ये मैंने हर धनिया डाल दिया है। आप लोग भी बना करके देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स।